कहानी की शुरुआत होती है रुद्र के सपने से, जो देखने में काल्पनिक और भयंकर थी। पर यह सपना कोई काल्पनिक नहीं, आपित तो इस घटना के पीछे बहुत बड़ी वास्तविकता छुपी थी, जिससे वो खुद अनजान था। शिवाय हर हर शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो शिव शिव शंभो। वासुकी, क्या हुआ रुद्र, तुम ऐसे घबरा के क्यों उठ गए? अरे यार, फिर से वही सपने जिसमें छमछम की आवाजें, नृत्य, संगीत, भवंडर, अग्नि की बारिश। तेरा ये सपने से कुछ संबंध जरूर है, ऐसे ये सपना तेरा पीछा नहीं कर रही। और तो तेरे माता पिता का भी कुछ आता पता नहीं। रुद्रा, रुद्रा सुन तो, रुद्रा उठो रुद्रा। मैं यहाँ कैसे आया, क्या हो रहा है मेरे साथ? वासुकी, मुझे खुद के बारे में जानना है, कौन हूँ मैं और इन सपनों से मेरा क्या संबंध? सब ठीक हो जाएगा रुद्रा, बस मादर पर भरोसा रख। हाँ भरोसा है, कभी ना तो कभी मुझे सच पता चलेगा।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवो नः प्रचोदयात्। वक्रतुण्डमाकार्य सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं त्र्यम्बकं जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। हे प्रभु, इसे कितने बार कहा कि मत आया कर, मत आया कर, फिर भी चलाता है, बेशर्म कहीं का। ए, चला जा इधर से, चला जा, चल बस हो गया अभी तेरा, चल। क्या हुआ, क्यों उसको धक्के मार के निकाल रहे हो? इसके ना कोई जात का पता है ना धर्म का पता, चलाता है हमारे धर्म को बदनाम करने। कुछ शर्म है, इतने सीधे साधे इंसान को इतना बुरा भला कह रहे हो? तुम जिस शिव की पूजा करते हो उनकी जात तुम्हें पता है, उनकी धर्म तुम्हें पता है? भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान होता है, दोनों की तुलना नहीं कर सकते हम। धर्म ने कोई भेदभाव नहीं करता तुम सबका, तुम्हें कोई हक नहीं उसे छोड़ पचाने का। चलो रुद्र, तन्नः शिवः प्रचोदयात्।